हेलो गाइस, आज हम बना रहे हरा भरा कबाब जो कि हरी हरी सब्जियों से बनने वाला है और बहुत ही टेस्टी लाजवाब होने वाला है। देखिए इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। हेलो गाइस, ये हरा भरा कबाब बनाने के लिए मैंने पालक लिए था जी। इसकी मैं डंठल तोड़कर इसे मैं बॉईल कर लूँगी और ठंडे पानी से इसे हम छान लेंगे। जिस तरह हम पालक को कर लेंगे, हमने इसका पूरा पानी निचोड़ लिया है, इसे अच्छा ड्राई कर लिया है। अभी दूसरे मैंने पेन है जिसको मैंने गर्म होने रखा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, एक चम्मच, और साथ ही में मैं ये ग्रीन बीन्स हैं मैं वो डाल रही हूँ, और मैं कुछ लहसुन है मैं ये भी डाल रही हूँ, ये अदरक, कुछ हरी मिर्च है, और ये शिमला मिर्च है। इन सबको मैंने रफली चॉप कर रखा है, और ये मटर है आधा बाउल में, ये भी डाल रही हूँ। अब इन सबको हम सॉटे करेंगे। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, और मैं इसमें थोड़ा सा केवल एक से दो चम्मच पानी डाल के इसे ढककर मैं थोड़ी देर पकने दूंगी। देखिए अब ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, और फिर हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। देखिए, जो हमने ग्रीन वेजीज फ्राई किया था, अब उसके बाद मैं इसमें ये जो पालक है मैं वो भी डाल रही हूँ, और साथ ही में मैं ये हरी धनिया है वो भी डाल रही हूँ। इन सबको हम एकदम फाइन चॉप में, फाइन ग्राइंड नहीं करना है इसे, हमें केवल थोड़ा सा क्रश करता हुआ मिक्सर में ग्राइंड करना है। देखिए हमारा ग्रीन पेस्ट रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें डालूंगी। ये बॉयल आलू है जिसे मैंने क्रश कर लिया है अच्छे से। मैं ये दो छोटे छोटे आलू हैं मैं वो डाल रही हूँ। साथ ही मैं ये दो चम्मच बेसन डाल रही हूँ जो बाइंडिंग के काम आएगा, और ये मैं ब्रेड क्रम्स हैं थोड़े से वो डाल रही हूँ दो चम्मच। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब से मैं कुछ मसाला डाल रही हूँ। ये काला नमक है, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है, और ये चाट मसाला है, ये गरम मसाला, और ये जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा जो होता है वो पाउडर है, ये सब डालेंगे हम। और कुछ बेसिक मसाले हैं जिसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ धनिया पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च। अब इन सबको मिक्स करेंगे, और फिर अब इसके हम कबाब बनाएंगे। बस मैंने एक बॉल कट किया है, हाथ में ऑयल लगा लिया है। अब इसका हम मन चाहे शेप दे सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, आप चाहे राउंड दे सकते हैं, जो भी शेप देना हो। अब इसे हम ब्रेड क्रम्स में अच्छे से बाइंड करेंगे, और ये काजू है जिसके मैंने दो टुकड़े कर रखे हैं वो मैं बीच में लगा रही हूँ। ऐसे हमें सब रेडी करना है। हरा भरा कबाब की टिकियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे और फिर गर्मा गर्म सर्व करेंगे।